दोस्तों अभिनेता और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 40 साल के सिद्धार्थ की मौत से हर कोई हैरान है। कूपर हॉस्पिटल ने हार्ट अटैक से सिद्धार्थ की मौत की पुष्टि की है। दोस्तों सिद्धार्थ बिल्कुल फिट थे और उन्हें पहले से दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं थी। ऐसे में सिद्धार्थ की अचानक मौत की खबर से हर कोई सदमे में है। आमतौर पर दिल से संबंधित बीमारी एक उम्र के बाद लोगों में देखी जाती है, लेकिन दोस्तों पिछले एक साल में हार्ट अटैक से युवक की हो रही मौत में तेजी से इजाफा हुआ है। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है वो मुख्य कारण जो युवा में दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों आजकल ज़्यादातर युवा 18 से 25 साल की उम्र में धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर देते हैं और डॉक्टरों की माने तो युवाओं की आदत उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का शिकार बना रही है। दरअसल कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज एक गंभीर समस्या जो अनेक प्रकार के हृदय रोगों का कारण बनती है और डॉक्टर का कहना है कि जो व्यक्ति दिन भर में 10 सिगरेट पीते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। वही दोस्तों आज की ज़्यादातर युवा पीढ़ी अपनी भूख मिटाने के लिए घर के खाने की जगह जंक फूड पर निर्भर रहती है। उनकी थाली में ज़्यादातर तली भुनी चीज़ों के साथ चाइनीज फूड शामिल रहता है, जिसकी वजह से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका बुरा असर सीधा दिल पर पड़ता है। गलत खान पान से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जो दिल की धड़कन तेजी से बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों बिजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ के चलते युवा आजकल अपनी डाइट को अनदेखा कर रहे हैं। भूख लगने पर वो बाहर मिलने वाले जंक फूड पर निर्भर रहने लगते हैं। लगातार घंटों काम करने और जंक फूड के सेवन का सीधा असर ब्लड वेसल पर पड़ता है। यही वजह है कि कम उम्र में युवा आजकल ब्लड प्रेशर का शिकार बनते जा रहे हैं। वही दोस्तों युवाओं पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का क्रेज इतना ज़्यादा है कि वो उनकी तरह ही बॉडी बनाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं। पसीना बहाने तक तो ठीक है, लेकिन कई जगह जिम में युवाओं को हैवी न्यूट्रिशन लेने की सलाह दी जाती है। न्यूट्रिशन के चक्कर में युवा एम्बोलिक स्टेरॉइड जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। दोस्तों काम की वजह से आजकल युवा मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहते हैं। ज़्यादा तनाव सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वही कुछ लोग तनाव कम करने के लिए स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, जो दिल के दौरे का खतरा दुगुना करने का काम करता है। वही दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर एक्टर समीर सोनी का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा कि तनाव का स्तर बढ़ाने से युवाओं में हार्ट अटैक आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। युवाओं में अच्छा और फिट दिखने का दबाव ये इंडस्ट्री बाहर से अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है। आपको मानसिक रूप से खुद को स्थिर रखने की बहुत जरूरत है। खासतौर पर एक्टर को अच्छा दिखने का बहुत दबाव है, वरना काम ना मिलने का प्रेशर रहता है। सिक्स पैक और अच्छी बॉडी की चाहत इस खतरे को और बढ़ा रही है। हर कोई दबाव में रोल्स के लिए वेट कम करने और बढ़ाने को भी साइड इफेक्ट पड़ते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि नींद का भी दिल से गहरा कनेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए 7-8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी होता है। स्टडीज के मुताबिक तय समय से कम सोने पर हार्ट अटैक का खतरा 24% तक बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्याप्त नींद ना लेने वालों में डिप्रेशन भी ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। बहुत ज़्यादा तनाव से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन का कनेक्शन आर्टेरियल से धमनियों से है। ये धमनियां शरीर में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का काम करती है। ये पतली हो जाने पर यह ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। डॉक्टर कहते हैं अगर इन रक्त धमनियों का इलाज नहीं किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों हार्ट अटैक आने का कोई निश्चित समय नहीं होता। व्यक्ति कभी भी इस बीमारी की चपेट में आ सकता है। बावजूद इसके हार्ट अटैक आने से एक महीना पहले ऐसे कई लक्षण होते हैं जो व्यक्ति को सचेत करते हैं कि आप हार्ट अटैक का शिकार बन सकते हैं। बहुत अधिक थकान होना, नींद आना, वो सांस लेने में दिक्कत, सीने में बेचैनी, खट्टे डिकार, अनियमित दिल की धड़कन और पैर और टखने की सूजन हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।